गुरुवार को एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रहा मलेशिया विमान मिसाइल हमले का शिकार हुआ। हमले में विमान में सवार 283 मुसाफिर और 15 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। मारे गए लोगों में करीब 80 बच्चे थे। इस घटना के गंभीर राजनीतिक और कूटनीतिक परिणाम होने की आशंका जताई जा रही है। विमान पर मिसाइल से हमला किसने किया ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। हालांकि विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है, इसके बाद अब हादसे के कारणों को समझना आसान होगा। आखिर कौन है 298 मासूमों की मौत का जिम्मेदार? आखिर किसने किया मलेशियाई एयरलाइंस के यात्री विमान MS-17 पर हमला? क्या ये सिर्फ रूस समर्थित यूक्रेनी विद्रोहियों का काम है या फिर इसके पीछे है कोई बड़ी साजिश? आखिर किसने एक यात्री विमान को आसमान में ही मलबे में तब्दील कर दिया? तस्वीरें भयावह है। मिसाइल के वार ने विमान को आसमान में ही बिखेर दिया। आसमान से गिरे मलबे पूर्वी यूक्रेन के दो शहरों डोनेस्क और लुहांस्क शहर के बीच गिरे। ये वही इलाका है जहां रूस समर्थक विद्रोही यूक्रेन की सेना से जंग लड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन्हीं विद्रोहियों ने इस विमान को बक मिसाइल से मार गिराया। जिसने भी यह हादसा देखा वो सन्न रह गया। I heard the noise of the planes and thought that bombardment would start soon. And I also heard shooting somewhere from above. मलेशियाई सरकार समेत कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी यात्री विमान के क्रैश होने की जांच कर रही हैं। विद्रोही अपने इलाके में जांच एजेंसियों को विमान के मलबे तक आने की इजाजत दे चुके हैं। इस विमान ने 283 मुसाफिरों और 15 क्रू सदस्यों के साथ गुरुवार सुबह 10 बजे एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर के लिए उड़ान भरी थी। करीब 4 घंटे की उड़ान के बाद यह यूक्रेन की हवाई सीमा से गुजर रहा था। ठीक उसी वक्त ये विमान रडार की पहुंच से गायब हो गया। कुछ ही मिनटों में पूर्वी यूक्रेन में उठते धुएं और मलबे ने ये गवाही दी कि इस विमान का एक भी शख्स जिंदा नहीं बचा है। Malaysia also welcomes call for an independent international investigation into the incident. यूक्रेन लगातार इस विमान दुर्घटना के लिए रूस समर्थित विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को अपनी दलील के पक्ष में यूक्रेन ने कई सबूत भी दिए हैं। यूक्रेन के मुताबिक बक मिसाइल प्रणाली विद्रोहियों के पास पहुंचना इस बात के संकेत है कि उन्हें रूस से ये मिसाइल मिले। अपने दावे के समर्थन में यूक्रेन ने विद्रोहियों और रूसी मिलिट्री एजेंसी के अफसरों के बीच बातचीत का टेप भी पेश किया है। We are providing those recorded phone calls where two military officers of Russia, GRU, the Minister of Defense, discussing. One is reporting and one is receiving the report about the shutdown of the plane. हालांकि यूक्रेन के दावों की अभी स्वतंत्र रूप से जांच नहीं की जा सकी है। सुनिए यूक्रेन के मुताबिक आखिर क्या बातचीत हुई विद्रोहियों और रूसी अफसरों में। पहली बातचीत 17 जुलाई को हादसे के फौरन बाद स्थानीय समय के मुताबिक शाम 4:40 पर रिकॉर्ड की गई है। Сбили самолет, группа минера Заинакиева упал. Сейчас поехали искать и фотографировать сбитый самолет. Ну, 30 минут назад где-то. Ну, что у вас там? यूक्रेन के मुताबिक इस बातचीत में रूस समर्थित विद्रोही नेता इगोर बेसलेव और रूसी खुफिया एजेंसी के एजेंट वासिली गेरानिन के बीच बातचीत हो रही है। यूक्रेन के मुताबिक रूसी अधिकारियों और रूस समर्थित यूक्रेनी विद्रोहियों के बीच ऐसी बातें कई बार हुई। जाहिर है यूक्रेन का इशारा रूस की तरफ है। उसके आरोप है कि रूस ने विद्रोहियों को बक मिसाइल दी और इसी मिसाइल से गफलत में उन्होंने यूक्रेनी फाइटर प्लेन समझकर मलेशिया के यात्री विमान को मार गिराया। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और अब आपको बताते हैं कि हादसा आखिर हुआ कैसे। बताते हैं कि जिस मिसाइल से विमान पर हमले की आशंका जताई जा रही है उसकी क्या खासियत है। मलेशियाई एयरलाइंस का ये विमान दोपहर में एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर के लिए उड़ा। कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद ये यहाँ यानी हादसे की जगह पहुँचा। जिस वक्त यह हादसा हुआ विमान जमीन से करीब 32,000 से 33,000 फीट की ऊंचाई पर था और रूस की सीमा से इसकी दूरी 30 किलोमीटर के आसपास थी।
अब हम आपको दिखाते हैं वो मिसाइल जिससे विमान पर हमले की आशंका जताई जा रही है। ये काफी बड़ा होता है और इसको दागने के लिए चार लोगों की जरूरत पड़ती है। मिसाइल को 5 मिनट में सेट करके हमले के लिए तैयार किया जा सकता है और सिर्फ 22 सेकंड में टारगेट पर निशाना साध कर इसे छोड़ा जा सकता है। आपको बता दें कि ये मिसाइल बेहद शक्तिशाली और अचूक है। इसकी लंबाई अमूमन 16 फीट होती है और वजन करीब 1500 पाउंड होता है। 154 पाउंड के वॉरहेड के साथ ये मिसाइल बेहद खतरनाक हो जाती है। और अब आपको इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यानी इसकी रफ्तार के बारे में बताते हैं। इसकी रफ्तार है 2684 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी साउंड की स्पीड से भी 2 गुने से ज्यादा तेज। अब अगर इस मिसाइल की स्पीड की तुलना विमान से करें जो कि 500 से 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों के बीच टक्कर कैसी रही होगी। इस मिसाइल से 30 किलोमीटर दूर टारगेट पर आसानी से निशाना लगाया जा सकता है और महज 40 सेकंड में ये अपने टारगेट तक पहुँच कर उसके पर खच्चे उड़ा देती है। और मलेशिया विमान के राजधानी कुआलालंपुर जा रहे एक परिवार की बाल बाल जान बच गई। इस खुशकिस्मत दंपत्ति के साथ उनकी एक छोटी सी बच्ची भी मौजूद थी। हादसे के शिकार विमान में जगह नहीं मिलने की वजह से उन्हें फ्लाइट बदलने को मजबूर होना पड़ा। इस परिवार को एक नई जिंदगी मिली है। हादसे की दिल दहलाने वाली तस्वीरें, कहीं मलबा कहीं लपटे तो कहीं जार जार बहते आंसू। पूरी दुनिया न केवल सन बल्कि सदमे में भी। लेकिन इसी धरती पर एक परिवार ऐसा भी है जो हादसे के बाद खुद को खुशकिस्मत मानता है। सदमे में होने के बावजूद ये परिवार बेहद खुश है। पति पत्नी और एक प्यारी बच्ची। ये ब्रिटिश दंपति है पैरी और इजी से। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, कहावत को सच साबित करते। ये परिवार सफर तो उसी विमान से करना चाहता था जो हादसे का शिकार हुआ, लेकिन किसी वजह से ये परिवार उस विमान में सफर नहीं कर पाया। हादसे की खबर मिलने पर इस परिवार की क्या रही प्रतिक्रिया, जरा ये सुनिए। I'm just thinking that I feel like I've been given a second chance and so hopefully that we'll get there safely and we'll see my family again. इजी अगर मानती है कि उसके परिवार को किसी ऊपरी ताकत ने बचाया तो इसकी वजह है। दरअसल इस दंपति ने अपनी छोटी सी बच्ची के साथ कुआलालंपुर जाने की योजना बनाई थी उसी मलेशियाई विमान MH17 से, जो कुछ ही देर बाद 298 लोगों की मौत की वजह बन गया। ये परिवार एम्स्टर्डम के शिपोल एयरपोर्ट समय से पहुंच गया, लेकिन उन्हें बताया गया कि विमान में कोई सीट खाली नहीं है। बाद में बैरी और इजी ने अपनी छोटी बच्ची के साथ दूसरे विमान से यात्रा की। कुआलालंपुर पहुंचने पर इन्हें पता चला कि MH17 को मिसाइल से हमला करके गिरा दिया गया है, तो इन्हें अपनी किस्मत पर भरोसा ही नहीं हुआ। I'm just thinking that I feel like I've been given a second chance and so hopefully that we'll get there safely and we'll see my family again. विमान हादसे में जिन 298 लोगों की मौत हुई उनमें 9 ब्रिटिश नागरिक भी हैं, उसी देश के जहां से इजी के परिवार का रिश्ता है। ऐसे में इस परिवार का दावा कि उन्हें नई जिंदगी मिली है यूं ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN से। और मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH17 पर मिसाइल हमले से अंतरराष्ट्रीय माहौल तनावपूर्ण हो गया है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि विमान पर हमला किसने किया, लेकिन रूस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनना शुरू हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अकेले पड़ते जा रहे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हादसे को यूक्रेन संकट से जोड़ दिया है, जिसके बाद शीत युद्ध जैसे नए दौर की शुरुआत का अंदेशा लगने लगा है। मलेशियाई एयरलाइंस की फ्लाइट MH17 पर मिसाइल हमले के बाद रूस और पश्चिमी देशों के बीच शीत युद्ध के बाद का सबसे बड़ा संकट पैदा हो गया है। विमान पर हमले में अपने 28 नागरिक खोने वाले ऑस्ट्रेलिया ने रूस को चेतावनी दे डाली है और कहा है कि रूस इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वो रूसी राजदूत को बुलाकर हमले की जाँच में सहयोग देने के लिए कहेंगे। माना जाता है कि विद्रोहियों को रूस का समर्थन हासिल है।
that as far as I am concerned, when you have a situation where Russian-backed rebels appear to have killed Australians using, it may well turn out to be, a Russian-supplied heavy weaponry. ऑस्ट्रेलिया का सख्त रुख तब सामने आया जब पश्चिमी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। मलेशिया ने भी अंतर्राष्ट्रीय जांच के प्रस्ताव का स्वागत किया है। I would like to reiterate Malaysia's condemnations of any attack on innocent civilians, its support for independent international investigations, and most of all, its sympathies with those affected by this tragedy. उधर यूक्रेन ने हमले की जिम्मेदारी विद्रोहियों पर डालते हुए अपनी जांच शुरू करने का फैसला किया है। वहीं अमेरिका ने भी कहा है कि वो यूक्रेन सरकार की मदद करने के लिए तैयार है। वहीं बचाव दल को विमान का ब्लैक बॉक्स मिलने की खबरें हैं। इस बीच विद्रोहियों ने फ्लाइट की अधिकतर डाटा रिकॉर्डिंग उनके पास होने का दावा किया है। जांच दल को दुर्घटना वाले इलाके में जाने देने को भी विद्रोही तैयार हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन संकट में पहले से ही पश्चिमी देशों के निशाने पर मौजूद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने MH17 हादसे की जिम्मेदारी यूक्रेन पर डाल दी है। От имени российского руководства, от имени правительства Российской Федерации выражаем соболезнования всем семьям погибших, также правительствам тех стран, граждане, которые оказались в этом самолете. इस विमान हादसे के बाद यूक्रेन संकट में टर्निंग पॉइंट आने का भी अंदेशा है। दरअसल इसी साल फरवरी से यूक्रेन संकट शुरू हुआ था, जब प्रदर्शनकारियों ने रूस समर्थित राष्ट्रपति का तख्ता पलट दिया था। इसके बाद मार्च में रूस ने क्रीमिया पर हमला किया। क्रीमिया में जनमत संग्रह के बाद उसे यूक्रेन से अलग कर दिया गया। अप्रैल में रूस समर्थित विद्रोहियों ने यूक्रेन के रूस में लगे हिस्से में गृह युद्ध छेड़ दिया। जवाब में अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए। अब तक यूक्रेन संकट में तमाम दबावों के बाद भी राष्ट्रपति पुतिन अपनी नीति को सख्ती से लागू कर रहे थे, लेकिन मलेशियाई फ्लाइट MH17 पर हमले के बाद उनकी स्थिति कमजोर हो गई है। माना जा रहा है कि अब जर्मनी और यूरोपीय ताकतों का रुख मामले में अहम है, जो पहले से ही यूक्रेन संकट में रूस के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ना शुरू हो गया है रूस पर। हम आपको वो रूट दिखाते हैं जहां पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। मैप के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। एम्स्टर्डम से ये विमान उड़ा, यूक्रेन की तरफ जा रहा था और कीव के पास से होते हुए पूर्वी यूक्रेन की तरफ रशिया से 40 किलोमीटर पहले ही टोरेज एक जगह है। और एक्चुअल अगर जगह की बात करें तो क्रेबोवो एक जगह है जहां पर मिसाइल के निशाना बना ये विमान MH17, जिसका मलबा करीब 15 किलोमीटर के दायरे में फैल गया। यहाँ पर एक मिसाइल के साथ इस विमान पर हमला किया गया और उसके बाद पूरा विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। तो एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रहे मलेशिया विमान मिसाइल हमले का शिकार हुआ, लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब इस तरह बेकसूरों की जान गई हो। इससे पहले भी कई विमान इस तरह के हमलों का शिकार होते रहे हैं। एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रहे मलेशियाई विमान को किसने मार गिराया, ये अभी भी साफ नहीं है। लेकिन इतना साफ है कि अशांत क्षेत्र से उड़ रहा नागरिक विमान मिसाइल हमले का शिकार हो गया। इस हमले से समूची दुनिया स्तब्ध है। देखिए, ये तो एक तरह की युद्ध जैसी स्थिति है। सबसे पहली बात ये कि कोई भी होस्टाइल जोन में या वार जोन में अगर कोई सिविल एयरक्राफ्ट गलती से आ भी जाता है, चाहे उन दो होस्टाइल कंट्रीज के बीच में आता है, तो भी कभी इस तरह का जो घातक हमला है कभी किसी जहाज पर नहीं किया जाता। ब्रिटेन स्थित एविएशन कंसल्टेंसी फ्लाइट ग्लोबल एसेंट के मुताबिक 1967 के बाद से नागरिक विमानों पर हुए 19 हमलों में करीब 800 लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि इस फेहरिस्त में कनिष्क विमान हमला शामिल नहीं है। 1985 में एयर इंडिया की फ्लाइट 182 में अटलांटिक महासागर के ऊपर धमाका हो गया था। यह आतंकी हमला था जिसमें 329 लोग मारे गए थे। कनाडाई जांच के मुताबिक विमान में बब्बर खालसा के आतंकियों ने बम रखा था। 2003 में इस मामले में आतंकी इंद्रजीत सिंह रैयत को 15 साल की सजा सुनाई गई। नागरिक विमानों को सैन्य हमले में मार गिराना भी किसी आतंकी हमले से कम नहीं माना जाता।
यही वजह है कि मलेशियाई विमान हादसे को भी आतंकी कार्रवाई ही माना जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय और घृणित अपराध है, ये आतंकवादी घटना है। हम चाहते हैं कि न केवल भारत में बल्कि दुनिया के तमाम हिस्सों में आतंकवाद का और इस तरह की हिंसक घटनाओं का खात्मा होना चाहिए। मलेशियाई विमान हादसे की तरह ही नागरिक विमान को निशाना बनाने की पिछली बड़ी घटना साल 2007 में हुई थी। इस साल इस तरह के दो विमान निशाना बने। मार्च 2007 में मोगादिशु ट्रांस एविया एक्सपोर्ट एयरलाइंस का विमान सोमालिया में गिर गया था। मोगादिशु की जंग के दौरान हुए इस हादसे में चश्मदीदों ने दावा किया था कि विमान को मिसाइल से मार गिराया गया। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी। जनवरी 2007 में इराक के बलाड एयरबेस में एक AN-26 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हालांकि हादसे के लिए खराब मौसम जिम्मेदार बताया गया, लेकिन चश्मदीदों का दावा था कि विमान को मार गिराया गया। एक आतंकी गुट ने हमले की जिम्मेदारी भी ली थी, जिसमें 34 लोग मारे गए थे। अक्टूबर 2001 में साइबेरिया एयरलाइंस का TU-154 विमान S-200 मिसाइल से मार गिराया गया। काला सागर के ऊपर यह विमान गलती से यूक्रेन के सैन्य अभ्यास का निशाना बन गया था। इस हमले में 78 लोग मारे गए थे। 1993 में जॉर्जिया में TU-154 विमान भी मिसाइल का निशाना बन गया था। जॉर्जिया के विवादित अफगाजिया क्षेत्र में हुए इस हमले में 108 लोग मारे गए थे। 1988 में ईरान एयर के फ्लाइट 655 को अमेरिकी युद्धपोत ने मार गिराया था। बंदर अब्बास से दुबई जा रहे विमान में सवार सभी 290 लोग मारे गए थे। 1983 में कोरिया एयर के बोइंग 747 को सोवियत क्षेत्र में प्रवेश करने पर सोवियत विमानों ने गिरा दिया था। इस हादसे में सभी 289 यात्री मारे गए थे। ऐसे बदकिस्मत हमलों की फहरिस्त में अब मलेशियाई एयरलाइंस का फ्लाइट MH17 भी शामिल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN7।